हेलो दोस्तों, क्या हाल है भाई सारों के। स्वागत करता हूँ आपको एक नए और व्लॉग में। नया व्लॉग चड्डा हो रहा है बहुत ज़्यादा, तो थोड़ी जुबान स्लिप कर रही है, तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना। बाकी भाई आज है मकर संक्रांति, तो आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मौसम दिखा दूंगा एक बार तुम्हें, देखियो है मनाली फेल इसका आगे नहीं है क्या है हिल स्टेशन हमारे घर के आगे, कुछ भी ना है। देख लो ऐसी फील लेनी है भाई, गाँव में रहा करो, मौज लो रोज लो, ठीक है। बाकी भाई आज एक छोटा सा प्रोग्राम है। प्रोग्राम क्या है? मकर संक्रांति के उपलक्ष्य पर एक भंडारा करवा रहे हैं हमारे विशाल त्यागी जी, तो वहीं चल रहे हैं तैयारी व्यारी करने के लिए। सुबह के बज रहे हैं 9। क्या कह रहे हो, नहाया नहीं हो अभी? भाई नहा लिया, पर थोड़ा लग नहीं रहा, नहाया हुआ सा लग रहा हूँ, नहाया हुआ सा ना लग रहा हूँ। बाकी भाई चलते हैं, तो मैं दिखाते हैं पहले अंकित चलेंगे, फिर विकम क्या। और थोड़ा जुबान उबान स्लिप करे तो यार थोड़ा एडजस्ट कर लो, क्योंकि अड्डे में थोड़ी स्लिप कर जा रहे हैं। बाकी तुम मौसम का इंजॉय लो। तो भाई ये अपना घर घेर सब एक ही है, और ये अपनी खड़ी गाड़ी गाड़ी निकालनी पड़ेगी। एक बार मैं गेट खोल लूँ, ये हमारा मेन गेट है इधर। अरे यार, पर भाई ये तो एक दिक्कत हो रही, एक गाड़ी बाहर खड़ी है, पहले इसे अंदर करना पड़ेगा, उसके बाद अपने निकाल ली जाएगी। प्रधान जी को करता हूँ मैं फ़ोन, या खुद ही ले आऊँ? चाहिए यार, क्यों परेशान करूँ उसे, मैं खुद ही जा कर ले आता हूँ। पक्के भाई से एक बार अंदर करते हैं। ये देख लो, ये देखो कौन आया है। क्या कह रहा है, कुछ लेना चाह रहा है क्या तू? एक थप्पड़ में है ना। संक्रांति हैप्पी बर्थडे। कितना आ गया आपने घर इसको? हैप्पी क्या हैप्पी? हैप्पी क्या, पहले नहा ले जब चाहिए। तू नहा गया बड़ा? तू नहाया? 7 दिन हो गए तू नहाए? मैं तो नहा लिया। हाँ देखो यार, चलो बता तुम बताओ दोस्तों, मैं नहाया हुआ तू तो वो बनवा के देख। इसकी भी स्लिप काट रही, मेरी भी काट जा, सुबह जाड़े में सबकी काट जा मैं। बाकी ये चलो, कम ऑन लेट्स गो। कि दोस्तों निकल लिए हैं, कोहरा देख लो, कोहरा हो रहा बड़ा भयंकर ऐसे मौसम में, इसे कोहरा ही कहते हैं। पर भाई जो है ना यार, जाना तो पड़ेगा। देखो यार वैसे भी आज सुबह उपलक्ष्य है, हमारा दोस्त आगे मारू पैदल पैदल जा चुका है। आगे मारू भाई हमारा वेट ना कर पाया, फागम भाग जा रहा, फर्स्ट टाइम फर्स्ट, कुछ भी ना 1 किलोमीटर आगे निकल गया। मैं सोच रहा रहने दो, जान दो, जोधे को अपने आप पहुंच जाएगा जहाँ जाओगा। बाकी नहीं यार, अपना बेस्ट फ्रेंड है, तो यार बेस्ट फ्रेंड को तो लेना पड़ेगा, ऐसा नहीं कर सकते हम। दोस्त ये विक्की त्यागी जी प्रमुख भाई से, और ये अपने हागी मारू भाई। भाई हैप्पी मकर संक्रांति, हैप्पी मकर संक्रांति, करवा चौथ। जिसका ब्याह हो जाओ तो करवा चौथ ही करवा चौथ दिखे, वो ना दिखता कुछ भी। बाकी अपने विशाल त्यागी जी आ गए, युवा राम राम जी, युवा महामंत्री, पीछे अपने प्रमुख साहब हैं। राम राम जी। अबे भैया आपत की मजा, आराम से खोल ना। दोस्तों आज मकर संक्रांति के उपलक्ष्य पे हमारे विशाल भाई 2 लाइन बोल लेंगे, थोड़ा सा बोल। ये जो त्योहार है ये बहुत अच्छा होता है, देखो हमारे प्रमुख प्रधान जी ने भंडारा करवा रखा है, देखो यहाँ चल रहा है। आज हम भी करा रहे हैं अपने, 11 बजे से स्टार्ट हो जाएगा शेखर भाई के सौजन्य से। बाकी भाई भाईचारा बना के रखो, हिंदुत्व को मजबूत बनाओ। अयोध्या में 22 तारीख को प्रोग्राम है, उसमें भी जाएंगे हम और शेखर भाई, उसमें भाई पूरा योगदान। अपने घरों पे दीप जलाएं और अपने मतलब 22 तारीख को मजबूत रखना। 22 तारीख को दीपावली मनानी है दूसरी, और साल दर साल ऐसे ही दीपावली मने। अपना हिंदुत्व मजबूत करो, अपने जो तुम्हारा हिंदू खून है, तुम्हारे अंदर का हिंदू शेर है, उसे बाहर निकाल लो ऐसे शेर। जय श्री राम। अब हम चलते हैं बंदोली, एक बार सामान ले आते हैं थोड़ा सा, उसके बाद मिलते हैं आपसे। जय बाबा की, जय बाबा की। सारे भाई भाई दुकान पे गए पहुंच, ये हमारे गांव के पास है बंदोली गांव, वहाँ है दुकान। ये आ गया चावलों कट्टा करवा लेंगे एक बार गाड़ी में। तो भैया चावल और रिफाइंड तो ले लिया है, बाकी अब ले रहे हैं सब्जी। सब्जी में डलवाएंगे गोभी और मटर, आलू, सोयाबीन, मतलब बढ़िया बनवाएंगे एक नंबर की, जो खाने में भी स्वाद लगे, ऐसा नहीं कि बस खाना पूर्ति करनी है। बाकी भाई हम आ गए जिम पे फिलहाल, और काम चल रहा बड़ा मजबूती से, ये देख लो त्यागी जी सही चल रहा है, बढ़िया चल रहा है भैया। बाकी भाई 2 लंडे मुरादनगर से बुलवाए हैं, मटर छिलवाने के। एक भाई हापुड़ साए हैं हमारे, नाम क्या है तेरा? है इज्जत तरुणी कह दे, तरुणी तरुणी
A few moments later. बाकी भाई देख लो, नहा धो के तैयार हो गए हैं। वैसे तो संक्रांत वाले दिन जल्दी नहा जाता सुबह, लेकिन भैया मौसम ऐसा रहने लगा बहुत ज़्यादा ठंडा, और वो पहले वाले एक्साइटमेंट रहते नहीं कि सुबह सुबह उठ के जो है नहाना है और नहाने के बाद कुछ करना है। बाकी नहा लिए हैं अंकित को लेके, एक बार हम चलते हैं भाई जिम, क्योंकि वहाँ पर हमारी खिचड़ी हो गई तैयार, और खिचड़ी वितरण करेंगे, अपना प्रसाद वितरण, उसके बाद दिखाते हैं। तो भाई ये आ गया अपना जिम सामने, रो फिटनेस क्लब, कुछ तैयारी है क्या? अच्छा, विक्की भाई भी आ गए बलेरो लेके अपनी, और बाकी कढ़ाई चल रही है सामने मजबूत। देखो बाकी पूरा प्रोग्राम दिखाऊंगा आज जैसा भी होगा। तो भाई ये अपनी जिम की गैलरी है, और सामने चल रही है कढ़ाई, देख लो। और ये भाई अपना जिम, अभी फिलहाल बंद कर रखा क्योंकि दोपहर का टाइम हो रहा है, इस टाइम कोई आता नहीं है, शाम को खोल लेंगे 5 बजे। मैं अपने एक दोस्त और बुलाता, जल्दी आओ रे को। एक तो देखो यार केवल है भाई, इसका इसकी शादी अगले महीने, इनका रियल इस्टेट का काम है, बिल्डर्स हैं, बिल्डर हैं, ये बिल्डर हैं भाई, और मतलब जैसे रियल इस्टेट डेवलपर होते हैं, और जैसे मतलब हिंदी में दलाल कहते हैं ना, वो वाले काम है इनके, ब्रोकर, सॉरी ब्रोकरेज। बाकी ये हमारे विशाल त्यागी जी हैं, हाथ ऊपर कर रहे हैं, ये हमारे हुकुम भाई हैं। अरे विक्की कहाँ हैं? ये हमारे मतलब सबसे ज्यादा जो हमारे पढ़े लिखे हैं सबसे ज्यादा वो यही हैं। आपकी डिग्री क्या है भाई? MBBS चल रही है इनकी, PhD। ओए गाली वाली यार, ये गंदी बात ना यार, कर दे सारा लोग का नाश यार, गाली देकर बीप कर दिए, बीप कर दूंगा पर गाली दे दी यार। हाँ जी आप बताइए अपने बारे में। रो फिटनेस क्लब है सामने, कोल्लू इनका ही है, ये गोश्ते पोस्तों का बिजनेस भी इनका ही है, ये जो बाग है 500-700 बीघे में ये भाई का ही है, 950 बीघे इसमें जो है 350 किलो, तो 350 बीघे तो आड़ू के पेड़ हैं। और बाकी हमारे प्रमुख जी हैं, प्रमुख साहब यहाँ आओ, अरे यहाँ तो मतलब ये है कि जो सबसे बड़ा बिजनेस मैन है वो मुँह छुपा रहा अपना, अरे यहाँ आए बाड़ू भाई। खिचड़ी हो गई हमारी तैयार, अब ये देख लो दोने पोने निकाल रहे हैं, ये हमारी खाट इसे बिछेंगे, और पब्लिक आते आते पब्लिक को हम प्रसाद ग्रहण करवाएंगे। क्यों बोला, क्या मैंने क्या? मैं तुम्हारे शरीर में मवाद पड़ जाएगी, मवाद पड़ जाएगी, मवाद पड़ जाएगी, कैसे मवाद पड़ेगी बेटा? जिम जाएगा शरीर में मवाद पड़ जाएगी। यहाँ बाबू यहाँ कहाँ जा रहे हो? चलो 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 खिचड़ी खा के जाना। बताइए 16,000 कैप्सूल आया भैया बॉडी बनने के, 16,000 में बॉडी बन जाएगी। कैप्सूल तो दिखा तेरे। क्या काम करता है? जिम करता हूँ भैया। विक्की भाई कोल्लू पे काम करता है, विक्की भाई डॉन है, इनका झंडा भी लग रहा है, ये डॉन है ना, डॉन नंबर दिखा, डॉन है डॉन। कहाँ के? यहाँ के जिम के। हाँ। या क्षेत्र के? क्षेत्र के डॉन है ये, देख लो 16,000 की दवाई आई है भाई की बॉडी बनाने। तो भैया प्रोग्राम अपना स्टार्ट हो गया, पहली गाड़ी रुकवा ली है, देखो अब निकलते बढ़ते जैसे भी यहाँ लोग आते रहेंगे ऐसे ऐसे हम खिचड़ी खिलवाते रहेंगे।
ये हमारा प्रसाद वितरण चल रहा है, बाकी तुम्हें अच्छी दिखाता हूँ। ये देखो इन्हें दोनों को, इन्हें मतलब ना हो बट रहा नहीं, बट रहा ससरे खाने पर लग रहे हैं। ये देख लो, इसका अगले महीने ब्याह है, ये शर्म नहीं आ रही। ये काम थोड़ा तो पाप वाप पाप क्यों कमा रहा, पुण्य उन्ने कर कुछ यार। कैसे भैया? तो पहले प्रसाद वरसाद बांट दे, बाद में खा लिए। ले इसे भी खा ले, ये देख लो सबर ना आए बिल्कुल भी। बाकी अपना कार्यक्रम चालू रखते हैं अपना। भैया यहाँ प्रसाद वितरण चल रहा है, देखो कोल्ड ड्रिंक कोल्ड ड्रिंक लेकर बैठा है यहाँ पे। चलो पहले चलने मैं भी खाऊंगा। देखिए घूम के एक बार, ये देखो भाई भाई हमारे यहाँ भंडारे में कोल्ड ड्रिंक और बट रही है। इधर की चम्मच ये देखो। अरे रुक जा यार, ब्लॉग चल रहे होते तुम बदतमीजी करने लगो। तो भाई अपना कार्यक्रम समाप्त हो गया मकर संक्रांति का, आप सभी को एक बार फिर से मकर संक्रांति। ये अपना जिम है भाई, बाकी भाई जिसको भी आसपास के लोगों को जिम करनी है और रो फिटनेस क्लब में अच्छे अच्छे ट्रेनर मिलेंगे, हुकुम भाई जैसे। अभी अंकित भाई भी 2 महीने तो हैं, ये भी आपको ट्रेनिंग कराएंगे। और बाकी मैं तो भाई यहाँ पे हुई, किसी भी टाइम एक्सरसाइज रिलेटेड कोई भी गाइडेंस चाहिए तुम्हें, बाकी हम अवेलेबल हैं तुम्हारे लिए। ठीक है भाई, अब घर चलते, घर जाकर मिलेंगे तुमसे।